हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के सीमावर्ती गांव में टिड्डी दल का हमला। रामसर से जुड़े गांव में टिड्डियों का ताजा हमला। किसान चिंतित, फसलें चौपट, भारी नुकसान। खेजड़ी और सांगरी की फसलों को किया चट। रामसर कस्बे के दर्जनों गांव में टिड्डी ने डेरा डाल रखा है, जो वनस्पति को चट कर रही है। टिड्डी लगातार दो दिनों से सीमावर्ती क्षेत्र में जमावड़ा किए हुए हैं, जिसके चलते क्षेत्र के किसान चिंतित हैं। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से टिड्डियों का हमला लगातार जारी है। रामसर सीमावर्ती क्षेत्र में टिड्डी हमला लगातार जारी है। खड़िन में गुरुवार सुबह भारी संख्या में टिड्डी पहुंची। टिड्डियां गुरुवार को खड़िन व जाखड़ों का ताला व खारा राठोड़ान, गगाला, हाथमा, सेतराव, भाजभर, रामदेव मंदिर, चाड़ार क्षेत्र तक पहुंच गई। किसानों के खेत व पेड़ पूरे टिड्डियों से भर गए। पूरे क्षेत्र में भारी संख्या में टिड्डी देखकर हड़कंप मच गया। टिड्डी दल रामसर क्षेत्र के दर्जनों गांवों में फैल गया। हालांकि टिड्डियों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा फिलहाल कम है, लेकिन पाकिस्तान में पनप रहे टिड्डियों के बड़े समूह के हमले की आशंका बनी हुई है। कुछ महीने पहले सीमा पार से टिड्डियों ने लगातार हमले बोल बड़े क्षेत्र में फसलों को चट कर भारी नुकसान पहुंचाया था। किसान अभी तक उस नुकसान से उभरे भी नहीं थे कि टिड्डियों के समूह ने एक बार फिर इलाके में धावा बोला है। अब टिड्डी हरी भरी वनस्पति को भी चट कर रही है। टिड्डी के दल ने रामसर क्षेत्र के गांव में रोहिड़े व खेजड़ियों पर लगी देसी सांगरी को भारी नुकसान पहुंचाया है। रामसर के दर्जनों गांव में लगातार टिड्डियों के प्रकोप से किसान परेशान है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाखों की तादाद में टिड्डी आने का दौर जारी है। ग्रामीण मुकेश पोटलिया ने बताया कि बुधवार शाम लाखों की तादाद में गांव में टिड्डी पहुंची और लोग टिड्डी दल को भगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में पहुंची टिड्डी हरी भरी वनस्पति को भी चट कर रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।